हेलो एवरीवन, ये कंप्यूटर मीनिंग्स से संबंधित डिस्कस किया जा रहा है, यानी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हार्ड मीनिंग आते हैं, डिफिकल्टीज मीनिंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है और यहाँ उसको समझा भी जा रहा है। ठीक है, ये पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप पार्ट टू जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हम पार्ट टू की। शॉर्ट क्या होता है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। डेटा को मनचाहे क्रम में सजाने की प्रक्रिया को बोलते हैं शॉर्टिंग करना। और सॉर्ट की क्या होता है, एक फील्ड बताता है जिस पर आप सॉर्ट आधारित कार्य करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जिस पर डेटा जो मशीन रीडेबल कोड में रिकॉर्ड किया जाता है और यह ओरिजिनेट करता है, अर्थात यह ओरिजिनल हाथ से लिखा या टाइप किया जाता है डॉक्यूमेंट या एक टाइम कार्ड होता है। मतलब क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो एक बार आपने लिख दिया, लिख करके उसको सेव कर दिया, वो कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स प्रोग्राम कोड क्या होता है, एक प्रोग्राम जो एक सिंबॉलिक या हाई लेवल सोर्स लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज, कोबोल, बेसिक, जावा में लिखा गया हो। ठीक है, स्पीकर नोट क्या होता है, स्पीकर नोट का इस्तेमाल पावर पॉइंट में किया जाता है। ठीक है, कोई बंदा जो स्पीच प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं स्पीकर। ठीक है ना, जो बंदा प्रेजेंट करेगा उसको बोलेंगे हम स्पीकर। क्या लिखे इस बात का, इसके बाद जो बनाता है उसको भी बोलते हैं स्पीकर। स्पेशल करेक्टर क्या होता है, एक ग्राफिक्स करेक्टर जो ना तो एक अक्षर है और ना एक संख्या, ना ही एक स्पेस करेक्टर है। उदाहरण के लिए डॉलर की बात करें, कॉमा हो गया, पीरियड हो गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास, ये डॉलर का सिंबल हो गया, इनको बोलते हैं स्पेशल करेक्टर। और नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर जो केवल एक विशेष प्रकार के कार्य को करे, को स्पेशल सिंपल होता है ना, स्पेशल काम के लिए, ठीक है, वैसी बात है। स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक खास तरह की समस्या या एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया हो। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन, तो आप जानते हैं कि डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में सीधे बोलकर इनपुट देना कहलाता है स्पीच रिकॉग्निशन। अब स्पीच सिंथेसिस क्या होता है उसको देखो ध्यान से। स्पीच सिंथेसिस कहते हैं कंप्यूटर आउटपुट जो बोले हुए शब्दों के रूप में होता है। इसमें कोई कैसेट टेप शामिल नहीं होता है, बल्कि एक छोटा सा LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रोचिप इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्पूलिंग क्या होता है, एक टेक्निक ऐसा जो सफलतापूर्वक कई कंप्यूटर सिस्टम पर इस्तेमाल की गई ताकि स्पीड मिसमैच को कम किया जा सके। जैसे आप बात कर रहे हो या कंप्यूटर में कोई डेटा दे रहे हो तो क्या करते हैं स्पूलिंग, कि कुछ चीजें आगे पीछे चलती रहती है तो उनको क्या कहते हैं, स्पीड को मिसमैच ना हो उसको कहते हैं जो स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस फास्ट CPU में होती है। मतलब जितने भी हमारे पास माउस की सेटिंग हो गई या कीबोर्ड की सेटिंग होगी, अगर ये इनका जो टेक्निक होता है फास्ट चलने का, स्लो चलने का, ये यहाँ पे सेट किया जाता है। स्प्रेड शीट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जिसका प्रयोग न्यूमेरिक और फाइनेंशियल कैलकुलेशन में होता है। स्प्रेड शीट में कॉलम और रो होते हैं और जो आपस में इंटरसेक्ट करके बॉक्स की तरह एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर स्प्रेड शीट की बात करें तो इनको कॉलम बोलते हैं, इनको बोलते हैं रो, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, इनको बोलते, इस जो बॉक्स होता है इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो SQL क्या है। देखो SQL एक टाइप का, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम जान लो पहले, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसका यूज डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, IBM, ये IBM द्वारा बनाया गया था। हम बात करते हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है, देखो जो डेटा स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं, एक सब्जेक्ट है बीटेक में डेटा स्ट्रक्चर, उसमें होता है स्टैक, और कंप्यूटर CS में भी है, डिप्लोमा में भी है, PGDCA में। स्टैक में पढ़ाया जाता है कि क्या होता है, एक मेमोरी जिसमें सबसे आखिर में स्टोर की गई सूचना सबसे ऊपर रखी जाती है और सबसे पहले निकाली जा सकती है, इसे LIFO, मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगी। मतलब जैसे देखो ये आपके पास कोई एक स्टैक है, ये आपका सिस्टम है, जैसे कोई प्लेट होता है ना, प्लेट रखा जाता है, यहाँ रख गया। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में रखी जाती है प्लेट वही पहले उठाई जाती है, तो वही बेस इसका कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टैक्ड बार ग्राफ क्या होता है, एक बार ग्राफ जिसमें संबंधित बार एक दूसरे से ऊपर स्टैक रखे जाते हैं बजाय एक दूसरे के बगल में रखने के लिए। स्टैक बार को हाइट आमतौर पर टोटल दर्शाती है। मतलब क्या, हम बात करें बार चार्ट की, ठीक है ना, बार चार्ट आपने देखा होगा, ये में डॉट डॉट लगे होते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेल का शीट देखना चाहते हो तो एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। स्टैकिंग क्या होता है,
इस टाइप में ये है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखना स्टैकिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज। क्या होता है स्टोरेज हम बात करते हैं तो मेमोरी की बात करते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना। ओके, स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर क्या होता है, एक एक कंप्यूटर जहां इसकी मेमोरी में आवश्यक डेटा और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोग्राम स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। क्या होता है ऑपरेटर, एक्सेल में एम्परसेंड ही अकेला स्ट्रिंग ऑपरेटर है या दो स्ट्रिंग को एक फॉर्मूला में कंबाइन करता है, क्योंकि जान लो एक्सेल में अगर दो ब्लॉक हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास दो ब्लॉक हैं तो हम उन दो ब्लॉक में क्या कर सकते हैं, ये दो ब्लॉक में डेटा है तो हम तीसरी ब्लॉक में मंगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये दोनों का डेटा यहाँ पे कंबाइन होकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्कशीट का फ्रेमवर्क जो वर्कशीट डेटा के ठीक विपरीत होता है, ठीक है, जिसमें टाइटल्स टेबल फॉर्मेटिंग स्पेस स्पेसिफिकेशन होते हैं जो वर्कशीट की अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं। सब मेनू क्या होता है, एक मेनू के अंदर जो जितने भी सब मेनू होते हैं उनको सब मेनू कहते हैं। सब रूटीन क्या होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो एक विशेष प्रकार का कार्य करता है उसको बोलते हैं सब रूटीन। अब बात करते हैं सिंटेक्स क्या होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम को समझने से पहले हम समझते हैं उसका सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स एरर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स जो विशेष तौर पर गलत पंक्चुएशन गलत सब सिक्वेंस या अनडिफाइंड जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट का पावर पॉइंट रिलेटेड है, एक ब्लू प्रिंट जो पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, देखो विभिन्न प्रकार का हम टेम्पलेट का अपने पेज पर इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल क्या होता है, इनपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस जो एक यूजर को एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ सीधे सीधे कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। ठीक है ना, टर्मिनल क्या करेगा, सीधा सीधा एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच या डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन करने का आदेश देता है। टेक्स्ट रूलर क्या है, टेक्स्ट रूलर का अर्थ होता है ये पावर पॉइंट के विंडो में टॉप पर दिखाई देता है, एक प्लेस होल्डर पर क्लिक करके हम इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है टूल, टेक्स्ट टूल क्या होता है, ड्राइंग टूल बार पर स्थित टूल जो स्लाइड पर कहीं भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट है टेक्स्टर्ड बैकग्राउंड क्या होता है, एक बैकग्राउंड की डिजाइन या वुड या मार्बल जैसा टेक्सचर बनाना। देखो टेक्सचर मतलब ये होता है ना, जब आप पेज को कलर करना चाहते हो ना, पेज कलर की बात हो रही है तो आप अगर एमएस वर्ड की बात करें तो हम पेज लेआउट में जाते हैं, वहां होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर जा करके हम इसमें कलर करते हैं, कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं या इसको ये जो आपको पेज दिख रहा है इसमें टेक्सचर यूज कर सकते हैं जो बॉक्स टाइप का टेक्सटाइल टाइप का मिलता है, माइक टाइप का मिलेगा और वुलन टाइप का मिलेगा, अलग अलग टाइप का मिलता है कलर, उसको बोलते हैं टेक्सचर बैकग्राउंड। इसके बाद थर्मल प्रिंटर क्या है, एक प्रिंटिंग डिवाइस जो हीट सेंसिटिव पेपर पर काम करती है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जो 1964 से 1975 के बीच बने हो। और थर्ड जनरेशन की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज जानना, इसमें थर्ड जनरेशन का मेन कंपोनेंट आईसी है, बोलते हैं इसको हम आईसी का नाम पूरा है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये सिलिकॉन का बना हुआ है। थ्रूपुट क्या होता है, कुल उपयोगी प्रोसेसिंग जो एक कंप्यूटर सिस्टम द्वारा एक दिए गए तय समय के अंदर ही किया जाए उसको बोलते हैं थ्रूपुट। टाइमिंग क्या होता है, एक स्लाइड शो के दौरान कितने समय एक स्लाइड स्क्रीन पर रहेगी, स्लाइड जो पावर पॉइंट के पेज को बोलते हैं हम लोग स्लाइड, तो उसका हम टाइमिंग देने के लिए हम यूज करते हैं। टाइटल क्या होता है, वर्कशीट डिस्प्ले में सबसे ऊपर दाएं या बाएं की तरफ जो रोज कॉलम होते हैं फ्रोजन होते हैं टाइटल हमेशा दिखाई देती है, जब भी आप वर्कशीट में स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर उसको देख सकते हैं। टाइटल मास्टर क्या होता है, वह स्लाइड जिसमें आपके प्रेजेंटेशन के लिए टाइटल और सब टाइटल की बात करें, ठीक है, कोई बदलाव करते हैं या बदलाव आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में दिखाई देता है तो टाइटल मास्टर पर आधारित होता है। टाइटल प्लेस होल्डर क्या होता है, देखो प्लेस होल्डर का मतलब मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि जैसे आप फेसबुक वगैरह पर लॉगिन करते हो या
जो व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह करते हो ना, तो वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ लिखते हैं राइट अ टेक्स्ट हेयर, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे टेक्स्ट होता है। जैसे ही कुछ लिखने की कोशिश करते हैं वो टेक्स्ट रिमूव हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन का अर्थ यहाँ पे देखो लिखा है, अति सामान्य रूप से एक ट्रांजेक्शन विश्व में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके होने का कारण डेटाबेस को अवश्य करनी चाहिए। यह वह शब्द एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के चालू होने के लिए इस्तेमाल होता है जो डेटाबेस को एक एक्शन के रूप में सूचित करता है। देखो ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो एक तो दूसरा ट्रांजेक्शन हो जाता है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटाबेस से एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने की बात हो रही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन फाइल। क्या होता है? एक फाइल जिसमें करेंट डेटा स्टोर किया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? एक क्लियर फिल्म जो इमेजेस और टेक्स्ट के साथ प्रिंट होती है, उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन को दर्शाती है। ओके, अनग्रुपिंग क्या होता है? कोई आपके पास बहुत सारा मैटर हो, बहुत सारे शेप बने हो, आप क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुप में है तो इसको अनग्रुप कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूएसए की बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज द्वारा डेवलप किया गया इसको, और यह 32 एवं 16 बिट मिनी माइक्रो कंप्यूटर के लिए बना हुआ है। यूजर क्या होता है? कोई व्यक्ति जो कंप्यूटर को आधारित सिस्टम को डेटा सप्लाई करता है या जिसमें से जनरेट की गई सूचना का प्रयोग करता है। यूटिलिटीज क्या होता है? वे प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर सिस्टम के कार्य में, फिर समझो, यूटिलिटीज का मतलब यह है कि वो प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर सिस्टम के कार्य में कुछ अक्सर आवश्यक प्रोसेस को पूरा करते हैं, जैसे सॉर्टिंग करना, मार्जिन करना। ठीक है, इसको बोलते हैं यूटिलिटीज, मतलब ये जो औजार होते हैं ना, जो सिस्टम के टूल्स वगैरह, उनको बोलते हैं। वैलिडेशन क्या होता है? एक निश्चित सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, एक विशेष ट्रांजेक्शन से आए हुए फॉर्म और डॉक्यूमेंट को सही करना। वैलिडेशन का मतलब होता है कंडीशन डालना, जैसे कि आप अगर फेसबुक वगैरह पर फॉर्म भरते हो या अपना जीमेल अकाउंट बनाते हो, तो वहां पे कुछ लिख के आता है ना कि प्लीज इंटर 6 to 8 डिजिट वगैरह, ऐसा कुछ लिख के आता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेल की सीट में हम किसी भी ब्लॉक में सेट कर सकते हैं कि इस ब्लॉक में केवल नंबर हो, और नंबर हो तो कितने नंबर का, वो चीज सेट कर सकते हैं। अगर एड्रेस सेट करना कि ये एड्रेस का ब्लॉक है, इसमें केवल आप 30 करेक्टर में दो पर एड्रेस, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वैलिडेशन सेट करना। वैल्यू क्या होता है? एक नंबर या एक फार्मूला जो एक नंबर का आकलन करता है, यानी कैलकुलेशन करता है, उनको वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कैसे करेगा? बिना ऑपरेटर के वो काम नहीं करेगा, तो उसको प्लस माइनस, इसको ये सब रिक्वायरमेंट होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रेडिक्स, क्या है? कुल डिजिट सिंबल की संख्या जो पोजिशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स को दर्शाने के लिए उपलब्ध होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? आपको पता होगा ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, सेमीकंडक्टर पर आधारित होती है। मतलब इसमें क्या होता है, मेन प्रोसेस ये पूछता है कि रैम किस टाइप का मेमोरी है। ठीक है, तो ख्याल रखना वोल्टाइल मेमोरी इसको कहते हैं, मतलब जब जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक तो इसमें डेटा रहेगा, और पावर सप्लाई जैसे ही आता है वो डेटा इरेज हो जाता है। रेंज, रेंज की बात करें तो हम एक्सेल की बात करेंगे। देखो वर्कशीट फाइल में एक सेल या जुड़े हुए सेल का एक समूह होता है। रेंज नेम क्या होता है? रेंज नेम की अगर बात करें तो मान लो कोई डेटा है वो A2 के कॉलम में है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं A2 का मतलब क्या, ये देखो ये कॉलम होता है और ये होता है रो। ठीक है, यहाँ पे होते हैं अल्फाबेट A B C D। ठीक है, यहाँ पे होते हैं 1 2 3। अगर हम देखो मान लो डेटा यहाँ पर है, यहाँ लिखा 5। ठीक है, अगर डेटा में चाहिए तो हम लेंगे C2। ठीक है ना, इसका मतलब हो जाता है C2, इसको बोलते हैं रेंज नेम। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम से संबंधित होता है जो तेजी से डेटा को रिसीव करके प्रोसेस करते करते हैं। ठीक है, ताकि जो आउटपुट है निकले वो थोड़ा फास्ट तरीके से निकल सके। ठीक है ना, रियल टाइम। रिकैलकुलेशन क्या होता है? एक्सेल एंट्री के बदलने के बाद की प्रोसेस जो एक्सेल इस्तेमाल करता है ताकि वर्कशीट वैल्यू जो अन्य सेल पर निर्भर करती है इसको अपडेट किया जा सके। रिकॉर्ड क्या होता है? एक्सेल डेटाबेस में एक रिकॉर्ड एक सिंगल रो और एक कॉलम के फील्ड में रहता है। रिकॉर्ड देखो, एक रिकॉर्ड दो चीज यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम यूनिट को भी रिकॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड लेंथ क्या होता है, यानी शब्द की लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, साइज की बात होगी तो साइज मापन में हम रिकॉर्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे।
रिलेटिव सेल एड्रेस क्या होता है, उससे संबंधित कोई फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो और उसका कैलकुलेशन आपने किया तो वो रिलेटिव सेल एड्रेस कहलाता है। रिपीटिंग लेबल क्या होगा, एक लेबल को बैकस्लैश के साथ शुरू करके फिर उसके साथ करेक्टर करेक्टर स्ट्रिंग डालने से करेक्टर या स्ट्रिंग पूरे कॉलम में रिपीट हो जाता है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग लेबल। रेसिडेंट प्रोग्राम क्या है, एक प्रोग्राम जो मेमोरी में रहता है जबकि दूसरे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। पीसी लोकल एरिया नेट रेसिडेंट प्रोग्राम का एक समूह होता है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, विशेष प्रकार के मेमोरी चिप होते हैं जिसमें दिए गए निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, रन टाइम एरर क्या होता है, जो वह जब प्रोग्राम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहा है जब प्रोग्राम में आया कोई कोई एरर, ठीक है ना, मतलब अगर प्रोग्राम को एरर रन करा रहे हो उसमें कोई एरर आ जाए तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के सिंगल या कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए आवश्यक समय। ठीक है, स्क्रॉल क्या होता है, विंडो स्क्रीन पे जो आपने देखा होगा राइट साइड में जो अप डाउन के लिए स्क्रॉल बार यूज किया जाता है ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब जो माउस में जो स्क्रॉल बार होता है उससे भी पेज को अप डाउन कर सकते हैं वेब पेज में। ठीक है, ये रहा वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपके पास कोई क्यूरी हो या आपको जो क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।